नमस्कार दोस्तों, अभी अभी मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया है फ्लिपकार्ट से। इसमें मैंने एक बोया का ये पैकेट निकल गया। ये मैंने अभी अभी बोया का एक क्लिप माइक मंगवाया है और मैं आपके सामने इसको अनबॉक्स करता हूँ। इसमें क्या है या कैसा है आप सब लोग जरूर बताइएगा देखकर। तो चलिए इसको ओपन करता हूँ। ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे ऐसे ओपन कर दिया। यहाँ से ये ओपन हो गया और ये काफ़ी बहुत बेहतर तरीके से पैक किया गया है। ये अंदर एक लेदर पाउच है, यह निकल गया एक लेदर पाउच है। अच्छा, इसको मैं इधर रखता हूँ। और क्या है इसमें, एक यह मैनुअल यहाँ दिख रहा है जिसमें इसके यूज़ को लेकर सारी बातें क्लियर की गई है। चलिए ठीक है, और क्या है इसमें, तो ये गारंटी कार्ड की तरह दिख रहा है। हाँ, यह एक गारंटी कार्ड तो नहीं कह सकते हैं इसको, यह परचेज करने के लिए, हाँ परचेज करने, हाँ वारंटी कार्ड ही है, ये वारंटी कार्ड ही है, यहाँ पे लिखा गया है ये वारंटी कार्ड है। और इसमें कुछ वारंटी मिला है 1 साल का मुझे, तो और कुछ नहीं है इस डब्बे में। चलिए इस पाउच को ओपन करता हूँ। इस पाउच में क्या है देखते हैं हम सब लोग, इसमें क्या है। तो इसमें ये रहा एक, ये एक माइक है। यह ये वायर का जो लेंथ है यह 20 मीटर है, यह 20 मीटर वायर का लेंथ है। और क्या है, तो इसमें एक क्या है, डेसिकेंट सिलिका है, डेसिकेंट सिलिका है। इसका काम क्या होता है, यह कीड़ा वगैरह लगने से बचाता है, इसको ये काम का नहीं है। और ये क्या है इसमें, इसमें क्या क्या है, चलिए चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले इसको देख लूँ क्या है। ये 3.5 mm का जैक है जिसको आप स्मार्टफोन से, किसी भी स्मार्टफोन से जोड़कर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बेहतर साउंड के लिए। और यह एक इसका ड्रम है जहाँ पे सारे टूल्स होते हैं। इसमें एक दिया गया है, इसमें एक बैटरी लगाने का दिया गया है स्पेस, और बैटरी इसका दिया होगा। और ये देख रहे हैं यहाँ पे एक स्विच है, यह स्विच जो है यह कैमरा मोड, अगर इसको हम कैमरा में लगा कर यूज़ करेंगे तो एक कैमरे मोड में रहेगा। और अगर स्मार्टफोन में करना है तो यहाँ पे लिखा गया है स्मार्टफोन मोड, इसको नीचे करके स्मार्टफोन में हम यूज़ करेंगे। लेकिन जब इसको हम कैमरे में यूज़ करेंगे ना, तो हमें इसमें बैटरी लगाना पड़ेगा, इस प्लेस पे एक बैटरी लगाना पड़ेगा। बैटरी यहाँ पे दिया गया है हमारे पास, ये बैटरी है, ये चलिए बैटरी देख लेते हैं। हाँ, ये दिया गया है, यह फिल्टर है जो कि यहाँ पे इसमें लगेगा, यह फिल्टर जो कि साउंड को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ये साउंड को क्लियर करेगा, साउंड मतलब कि जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें एयर वगैरह आ जाता है, उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। यह इसमें इसमें इसको ऐसे लगा लेंगे, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है इसको, बस ये यूं लग गया, ये लग गया, इसको ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद और क्या दिया गया है, तो इसमें यह एक जैक दिया गया, यह जैक कैमरे के लिए दिया गया है, DSLR के लिए स्पेशली है। इसको मैं इसमें लगाऊंगा, इसमें हम सब इसको इसमें लगाएंगे, और इसको ऐसे लगेगा, इसमें ऐसे ही लगना चाहिए, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल, हाँ यह ऐसे ही लगेगा, यह इसमें लगेगा और यह जैक कैमरे में लगेगा, ठीक है। ये कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। उसके बाद यह क्लिप दिया गया है, यह क्लिप है, इसको जब कॉलर में हम लोग ऐड करेंगे, कॉलर से जोड़ेंगे इसको, तब क्या करेंगे, इस क्लिप को हम यहाँ पे इसमें लगाएंगे, इसमें लगा कर इसको हम जोड़ेंगे, इसको हम इसमें लगाएंगे और इसको हम कॉलर से अटैच करेंगे, इसलिए यह क्लिप दिया गया है, ठीक है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, यह एक बैटरी दिया गया है। यह बैटरी कौन सी बैटरी है देख ले जरा, यह एक बैटरी दिया गया है, बैटरी निकाल लेता, हाँ यह एक बैटरी दिया गया है। इस बैटरी का यूज़ क्या है, तो जब हम इस वाले माइक को अगर हम कैमरा में यूज़ करेंगे, तो कैमरा में यूज़ करने के लिए इसको ऊपर करना पड़ेगा और इस बैटरी को हमें यहाँ पे लगाना होगा, तब यह काम करेगा। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, तब यह कैमरा में काम करेगा, ठीक है। और अगर स्मार्टफोन में करना है तो बैटरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो स्मार्टफोन में। इसको बैटरी को निकाल लेंगे हम यहाँ से, काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो गया निकलना। अच्छा कोई बात नहीं, इसको बाद में निकाल लेंगे हम, इसको लॉक कर देते हैं, इसको इसे बंद कर देंगे। और ये हो गया पैक कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये कैमरा मोड में चलेगा ऊपर में, और नीचे में या स्मार्टफोन मोड में, किसी भी स्मार्टफोन में लगा देंगे और इसको हम यूज़ करेंगे कॉलर में लगाकर। तो ये काफ़ी बेहतर बोया कंपनी ने बनाया है और कीमत भी बहुत कम है। मैंने इसे 750 रुपये में मंगाया है और बहुत कम कीमत है, कीमत के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बस यह साउंड कैसे रिकॉर्ड करता है यह देखना है, और यह देख कर मैं आपको बता दूंगा फीडबैक में कि
कि साउंड कैसा रिकॉर्ड करता है। तो अभी तो यही बॉक्स है हमारे पास जो अनबॉक्सिंग मैंने करके आपको दिखा दिया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा अगर मैं कुछ प्रोडक्ट परचेज करता हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।